वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड डेडलीस्ट डिजीज ऑफ इंडिया, दैट इज रेस्पिरेटरी डिजीज। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दो सब टॉपिक्स, जो है ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। ब्रोंकाइटिस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। ब्रोंकाइटिस मतलब क्या होता है? जिस भी किसी मेडिकल टर्म के सफिक्स का यूज किया जाए आईटीस, आईटीआईएस, तो वो डिनोट करता है इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाना। ब्रोंकस एरिया में, ब्रोंकल एरिया में अगर उसमें सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ये दो पिक्चर्स आप देख सकते हैं, मैं ये सर्किल कर रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड में जो है आपका, वो नॉर्मल है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपका इन्फ्लामेटेड है, इन्फ्लामेशन हुआ है और उसमें म्यूकस आ गया है। म्यूकस ये सिक्रेट हो रहा, ये पस बन जाता है। यहाँ पे पस के जमा होने के कारण से ये एरिया इन्फ्लामेटेड हो जाता है, सूजन हो जाता है वहाँ पे। और इस वजह से क्या होता है कि अच्छे से वहाँ पे एयर का फ्लो नहीं होता है। और ये पस होता है आपका बैक, जो आपका मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस आपके बॉडी में एक तरीके से झाड़ू लगाने का काम करता है। ये डेब्रिस जो होते हैं, जो कचरा होता है, जो आगे जो आपका एजेंट्स होते हैं, जो फॉरेन एजेंट्स जो आपके बॉडी के नहीं है, जो आपको जो बाहर से आपके शरीर में इन्वेड करता है, अंदर आता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में ये मैक्रोफेजेस काम देता है। तो इस ये सब को डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होता है कि ये एक जगह पे जमा होने लगते हैं। वही जमा होते 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 ये पीला जैसा जो बनता है पदार्थ जो बनता है, उसे कहते हैं पस। ये पस यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये म्यूकस से जैसा जमा हो गया है यहाँ पे। हम निमोनिया और जो ब्रोंकाइटिस में जो सिमिलर देखेंगे, उसमें दोनों में होगा पस, होगा पस का जमा होगा। पस जमा होने के कारण अलग अलग रीजन में होगा ये जमाव, हो एक ब्रोंकल एरिया में होगा। निमोनिया में हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि किस रीजन में होगा। ये इसके नॉर्मल लंग को हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हेल्दी लंग है जो आपका पिंकिश कलर में है, और जो ब्लैकिश कलर में है वो है आपका स्मोकिंग लंग। जो स्मोक करते हैं उसके लंग को डिफेक्ट होने के बाद ऐसा ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो हम लोग स्मोकिंग क्विक कर दें, तो इससे क्या होगा कि हमारा लंग स्वस्थ रहेगा। अगर हम ब्रोंकाइटिस के लक्षण देखना चाहें, सिम्टम्स क्या है, तो मेजर सिम्टम्स है इसके कफ, खांसी होना, वीजिंग, साउंड आना जब आप सांस ले रहे हो सीटी बजने जैसा, आपको फीवर हो जाना, या स्पूटम ज़्यादा बनना, स्पूटम वो थूक जैसा जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रेकिया या तो आपके रीजन जो है, ये पैसेज ऑफ एयर जो लंग से तरफ ले जाता है वो उसके तरफ। ये आप क्लियरली अगर समझना चाहें तो एक अंगूर के गुच्छे को समझिए। जो ये अंगूर है, ये एल्वियोलाई है आपका, लंग में एल्वियोलाई रहते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलस, एकोस प्लूरेबल एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई समझ लीजिए, ये एयर सेक है आपके, बहुत सारे गुच्छे रहते हैं लंग्स में, ये माइन्यूट, इसी से गैस एक्सचेंज होता है, इसी छोटे छोटे एल्वियोलाई से। इसको जो कनेक्ट किया हुआ ये तना, ब्रांच जो है, ये इसी तरीके का रहता है ब्रोंकल एरिया, जो ब्रोंकल पास करते हैं। तो यहाँ से ट्रेकिया जो गया, ट्रेकिया जाने के बाद ये डिवाइड हुआ, डाइवर्जन होने के बाद ब्रोंकल एरिया में ट्रेकिया गया, ट्रेकिया से ब्रोंकस बना, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल बना, आगे चल के एल्वियोलाई हो जाता है, वो डिवीजन, लास्ट डिवीजन एल्वियोलाई। तो अगर ये तना में अगर उसका सूजन हो जाए तो हम लोग उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। इजी समझ सकते हैं ये, इसको आप देख सकते हैं कि कैसा होता है, कि ये जो पीला है म्यूकस ज्यादा थिक हो जाता है और ये बना देता है पस, जो मैक्रोफेजेस आपका डिस्ट्रॉय करते हैं आपके एजेंट, फॉरेन एजेंट्स को। तो ये क्या होता है कि ये देखो ये जो एरिया है, इसका डायमीटर जो है इसका, वो काफी
चेंज हो गया है, जो रहना चाहिए वो नहीं है, जो काफ़ी नेरो हो गया, तो एयर पैसेज होने में दिक्कत होगा। अब ये जो म्यूकस उसमें आ गया है, पस जमा हो गया, उससे क्या होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, इसी को कहते हैं डिस्पनिया। डिस्पनिया में क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होगा, और अगर सांस नहीं ले पाएंगे तो आप खांसते हैं, तो जोर से खांसने की वजह से ये क्या होता है कि ये एरिया छिल जाता है, वो एरिया डिस्ट्रॉय होता है, जिसके कारण से ब्लड वेसल्स वहाँ के फट जाते हैं और आपको खून निकलता है थूकने पे, या फिर खांसी में आपको थूक ब्लड आता है। ब्लड आने से आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके ब्रोंकल एरिया में कोई दिक्कत है, या फिर आपके रेस्पिरेटरी एरिया में कोई दिक्कत है, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। एक्सरे करने से आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि क्या किस रीजन में क्या प्रॉब्लम है। ये रियल आपका इमेज है एक ब्रोंकाइटिस का, ब्रोंकाइटिस लंग का, जिसमें आप ब्लैक स्पॉट्स देख सकते हैं किस तरीके से डैमेज हो चुका है, ये सारे एरिया डैमेज हो चुका है ब्रोंकाइटिस के कारण से। आगे चलते हैं, देखते हैं ये हेल्दी जो ये ब्रोंकल ये रहेगा आपका ब्रोंकस आपका, वो हेल्दी क्या होगा कि ये लूमेन जो है इसका जो छेदा है वो छिद्र आपका जो है काफी ज्यादा ब्रॉड रहेगा, जिससे कि एयर फ्लो इजिली हो जाए। वही आपका ब्रोंकाइटिस में जो होगा वो काफी नैरो हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा वो एरिया, और ये कारण होता है इन्फ्लेमेशन के कारण। अब जानते हैं कि ये होगा कैसे, इन्फ्लेमेशन होता कैसे। पहला तो आप किस रीजन में है, आप कहाँ पे हैं, जैसे दिल्ली वाले लोगों को ज्यादा ये सब होने का खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ एयर में काफी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, जिसके कारण से उस एयर पैसेज में आपका दिक्कत होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। आप स्मोकिंग करते हैं तो इसके कारण से ये डिस्ट्रॉय होगा सेल्स यहाँ पे, उसके कारण से ये यहाँ पे जमा होने लगेगा, नैरो हो जाएगा। दूसरा तीसरा देखते हैं कि तीसरा हमारा एजेंट्स के कारण जो हो गया, बैक्टीरिया या फिर जो एजेंट्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारे वो सेल्स को, ल्यूमेन को नैरो कर दे, उसके कारण से हो सकता है। ये रीजन है काउजेज का। अब हम लोग जान गए वो काउज कैसे होता है, सिम्टम्स ही हम मैंने बता दिया था, कफ होगा, स्पूटम आएगा, आपको थूक जो आएगा, थूक जो होगा नॉर्मली क्या होता है कि माउथ ओरल रीजन से थूक आपका प्रेजेंट होगा, लेकिन स्पूटम में क्या होता है कि वो आपके लोअर रेस्पिरेटरी मतलब ये ट्रैकिया या फिर लंग्स के रीजन से आपको स्पूटम बनेगा, वो आप ये बनने के कारण से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल आपका थूक नहीं है, ये कहीं नीचे रीजन से आया, जिसको आपको जांच के लिए आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और यहाँ पे हम लोग चलते देखते हैं कि मेजर सिम्टम्स में से ये है डिस्पनिया, मैंने बताया था डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो ये होगा डिस्पनिया में। ये नए नए टर्म्स आप सीख लीजिए तो काफी अच्छा होगा आगे के लिए। हीमोप्टेटाइसिस, हीमो मतलब हीम का मतलब हो गया आपका ब्लड से रिलेट, तो ब्लड आपका जब आएगा कब टूट ये आएगा ब्लड आप जब का आपका थूक में आएगा तो वो हीमोप्टाइसिस बोलते हैं उसको, मतलब ब्लड का टूट के आपके थूक में आ जाना, इसको हीमोप्टाइसिस बोलेंगे। वीजी मतलब मैंने बताया कि आपको सांस जब लेंगे तो हो सकता है आपको सीटी जैसा सुनाई दे आवाज, कुछ अलग रेटल स्नेक जैसे वो अपना पूछ हिलाते हैं तो कुछ जैसे झुंझुना बजता है उस तरीके का आवाज आता है, तो वीजी साउंड आएगा। चेस्ट पेन, प्लूराइटिस, प्लूराइटिक देखिए यहाँ एस नहीं है लेकिन टी आई सी है, यहाँ भी इन्फ्लामेशन से रिलेट करता है कि आपका इन्फ्लामेटेड अगर एरिया हो जाए चेस्ट में तो क्या होगा कि आपको चेस्ट पेन होगा, छाती में दर्द होगा, तो बेटर डायग्नोसिस के लिए आपको जाना चाहिए एक्सरे पे। एक्सरे से कारण एक्सरे पहला इनिशियल रहता है आपका डायग्नोसिस, जिससे आपको रीजन पता चल जाए किस रीजन में क्या हुआ है। इससे बचने के लिए मैंने बता दिया क्विट स्मोकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, अभी मैं बता रहा हूँ तो क्विट स्मोकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, पानी अच्छे से पिए, अच्छे ये सब जो फॉरेन एजेंट वगैरह आते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के कारण क्या हो सकता है कि आप अपना जो खान पीन है ध्यान वो अच्छा तरीके से मेंटेन रखें। जैसे खाने में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था क्या क्या लेने से आपको कार्डियक डिजीज नहीं होगा, वो सब आप रिलेट कर सकते हैं इस वीडियो में।
क्या करना चाहिए। सिम्टम्स मैंने बता दिया, काउजेज मैंने बता दिया, वायरसेस के कारण से, स्मोकिंग के कारण से, और ये लास्ट हम देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस। प्रिवेंशन के लिए ड्रिंक वाटर मैंने बता दिया, अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन है तो मास्क का प्रयोग करें। अभी फिलहाल कोरोना में तो मास्क का प्रयोग हो ही रहा, अगर नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत हो गई आपके लिए। अपने हाथ को धोएं ताकि फॉरेन एंटीजेंस आपके शरीर में ना इंटर कर पाए। अगर आपका शरीर आपका इम्यूनेटेड ज़्यादा अच्छे से नहीं है तो आप वैक्सीनेट करा ले आपको फ्लू वाले वैक्सीनेशन से। और कॉम्प्लिकेशंस इसके हार्ड रिजल्ट क्या हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर, आपका जो फेफड़ा है वो काम करना ही बंद कर दे, निमोनिया। मैं अगले डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। ये सब सारे जो है टर्म्स आपको काफ़ी आगे मैं बताऊंगा वीडियो में, जो डिटेल्स है ये सब काफ़ी हार्ड वगैरह वाला है। तो क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा कि आपका जो लंग पैसेज जो है वो आपका किसी चीज कारण से वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो ये सब मैं और आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।